प्रदेश सरकार 50% एचआरटीसी बसों में महिलाओं को छूट देने की बात कर रही है। दूसरी ओर एचआरटीसी बसों की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। सोशल मीडिया में कई एचआरटीसी बसों की वीडियो भी वायरल हो चुकी है। पांटो साहिब की बात की जाए तो अधिकांश बसें ऐसी हैं जिनके सीटों के कवर टूटे फूटे हैं। ये बात भगानी जोन अध्यक्ष प्रदीप चौहान ने प्रेस बयान जारी करते हुए कई सवाल खड़े किए। मजदूर नेता प्रदीप चौहान ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पांवटा साहिब की अगर बात की जाए तो यहां पर ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी द्वारा उप डिपो खोला गया है, पर नए रोड पर कोई भी बसें नहीं लगी है। आज भी पांवटा विधानसभा क्षेत्र और शिलाई विधानसभा क्षेत्र में दर्जनों पंचायतें ऐसी हैं जहां पर एचआरटीसी बस की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में 50% महिलाओं को कैसे फायदा मिल पाएगा। दूसरी ओर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि बसों की हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। अधिकांश बसें सड़कों पर खराब हो रही है जिसकी वीडियो कई बार सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। वहीं पांवटा साहिब की बात की जाए तो यहां पर कई बसों की सीटें टूटी फूटी है, बैठने में भी लोगों को डर लगता है। ऐसे में सफर कर रहे लोगों को रोजाना परेशानियां झेलनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि मैं सीएम जयराम ठाकुर और ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी और परिवहन मंत्री से कहना चाहता हूं कि सुर्खियां बटोरना छोड़ दीजिए, पहले बसों की हालत को सुधारा जाए ताकि लोगों को परेशानियां ना झेलनी पड़े। मैं प्रदीप चौहान, बंगानी जोन कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष। आज नाहन में जो है महिलाओं को ज्यादा किराया हुआ है, उसके लिए हमारे पांवटा साहब से मंत्री हिमाचल प्रदेश श्री सुखराम चौधरी जी आ रहे हैं, वहां पे प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं भाजपा वालों को बोलना चाहता हूँ कि दिखावे की राजनीति ना करो। जितना खर्चा आज आप प्रोग्राम में कर रहे हो वो जो खर्चा है वो आप बसों में लगाइए। पांवटा में डिपो की बात करूंगा, पांवटा जो डिपो है उसमें जो है इतने बसों के बुरे हाल है, कई बसों के जिसकी सीटें खराब है। पांवटा डिपो में बताओ क्या फैसिलिटी है। और मैं एक बात इनसे बोलना चाहता हूँ, ये लोग बोल रहे हैं कि महिलाओं को आधा किराया मिलेगा। कई पंचायतें ऐसी है जिसमें अभी भी बस नहीं आ रही है। आप दूसरी पंचायतें छोड़ो, मेरी अपनी पंचायत डोगरी सालवाल में अब तक बसें नहीं चल रही है। मैं शिलाई की बात करता हूँ, मेरी दो वहां पे भी एक पंचायत है, पोक्का कोड़गा 1276 जो इतना बढ़िया तीर्थ स्थान है 1276, वहां पे भी बसें नहीं चल रही है। तो किस उस पे आप लोग बोल रहे हैं कि महिलाओं को आधा किराया मिलेगा। ये जो है दिखावे की राजनीति कर रहे हैं और मैं इनको बोलना चाहता हूँ आप लोग ये दिखावे बंद करें और जो आप अपने ऊपर ये पैसा खर्च कर रहे हैं इसको आप सरकारी विभाग में लगाएं, बसों में लगाएं ताकि बसों की हालत ठीक हो। और ये मेरी इनसे वो है विनती कि आप इसमें ये पैसा लगाएं। जय हिंद, जय हिमाचल। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए पांवटा साहिब से देवान शर्मा के रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइव टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी। हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजें अपना वीडियो 82198-00003 या 82198-00004।